मैंने अपना स्किन यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म किया है। और एक चीज जो मैं बहुत सुन रही हूँ कि आपका फेस और नेक का कलर डिफरेंट है। नहीं, डिफरेंट नहीं है। मेरे सामने एक रिंग लाइट है, उसके लिए वो पूरा फोकस मेरे मुंह पे लगा था। ये देखो, पूरा सेम है। देखो, अभी क्लाउडी सीजन है, लाइक बेसिकली रेनी सीजन है, क्लाउड्स है बाहर, तो मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ बाहर, नहीं तो मैं नेचुरल लाइट में ही शूट करती। प्लीज, लाइक ये एक चीज सिर्फ डिफरेंस दिख रहा है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल लाइट के सामने हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बोला है कि कैसे मेरा स्किन का हालत वैसा हुआ था, फिर कैसे मैंने अपना स्किन पूरा ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है, और फिर कुछ चीजें करनी पड़ती है जिसके लिए आपका स्किन मेंटेन रहेगा। तो आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है, जो चीजें मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ। टिप नंबर वन, कंसिस्टेंसी। यस, आपको कंसिस्टेंटली अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, जो भी टेक्निक्स आप यूज करते हो, सब कुछ जो लाइक आपके स्किन को सूट करता है, आपको वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि सारा स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो उसके लिए हम स्किन केयर कम कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपका स्किन को अगर आपको मेंटेन करना है, हेल्दी स्किन रखना है, तो आपको स्किन केयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही है। डिटेल में अगर आपको अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन बनाना है तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इसका लिंक, और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। टिप नंबर टू, सनस्क्रीन। यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, एटलीस्ट SPF 30 होना ही चाहिए। और इवन ऑन क्लाउडी डेज, यस, मैंने बहुत देखा है कि लोग स्किप कर देते हैं सनस्क्रीन ऑन क्लाउडी डेज। नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, हमें सनस्क्रीन यूज करना ही है। ये कुछ मेरे फेवरेट सनस्क्रीन्स है, और भी मेरे फेवरेट सनस्क्रीन्स है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सनस्क्रीन्स हमें बहुत कुछ से बचाते हैं, जैसे कि यूवी रेज, फिर टैनिंग से, फिर डार्क स्पॉट्स फर्दर हमारे ना हो, इन सब से हमें सनस्क्रीन बचाता है। तो सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे कभी स्किप मत करना। टिप नंबर थ्री, मॉइस्चराइज। आपको अपना स्किन हाइड्रेटेड रखना है एक जेंटल और नॉन कमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करके, और ऐसा एक मॉइस्चराइजर चूज करना है जो आपके स्किन टाइप के अनुसार सूट हो। मॉइस्चराइजर हमारे स्किन के इलास्टिसिटी और रेडियंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और मेरे कुछ फेवरेट अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिप नंबर फोर, एक्सफोलिएट। रेगुलर एक्सफोलिएशन आपको करना ही है। वीक में एक से दो बार आपको एक्सफोलिएशन करना है ताकि आपके सेल टर्नओवर रेशियो अच्छा हो, और मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है सेल टर्नओवर रेशियो के ऊपर, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको समझ में आएगा वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सफोलिएशन के हेल्प से आपका स्किन का जो टेक्सचर है ना, वो मेंटेन रहता है। आप एक अच्छा सा लाइक केमिकल एक्सफोलिएटर अपने फेस के लिए यूज कर सकते हो, और बॉडी के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी का स्किन वो सह सकता है। और अगर आप चाहो तो बॉडी के लिए भी आप केमिकल एक्सफोलिएंट यूज कर सकते हो। मेरे फेवरेट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टिप नंबर फाइव, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम पॉल्यूशन। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिसमें आप विटामिन सी या विटामिन ई हो, वो आपके स्किन को शील्ड करेगा एनवायरमेंटल डैमेज से। आप डीकंस्ट्रक्ट का ये सीरम यूज कर सकते हो, विटामिन सी सीरम, ये बहुत स्टेबल है और बहुत अच्छा है। आप फॉक्सटेल का भी यूज कर सकते हो, दोनों मेरे फेवरेट विटामिन सी सीरम्स है। टिप नंबर सिक्स, स्टे हाइड्रेटेड। आपको दिन में 8 कप्स ऑफ पानी पीना ही है। यह आपका जो बॉडी का टॉक्सिन्स है ना, उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा, और आपके स्किन का जो लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है इंटरनली जो भी चल रहा है, उसे भी आप कम करने में हेल्प करेगा। ग्रीन टी पी सकते हो, डिटॉक्स वाटर्स पी सकते हो, नॉर्मल वाटर पी सकते हो, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पानी पीना भूलना नहीं। टिप नंबर सेवन, मैनेज स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस लेवल्स के लिए आपको एक्ने, रोजेशिया, हाइपरपिगमेंटेशन, बहुत कुछ हो सकता है। आप स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, जैसे कि आप योगा कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हो, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपके स्किन को आपको हेल्दी रखना है। टिप नंबर एट, गेट इनफ स्लीप। आपको रात में एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोना ही है हर दिन। आपकी स्किन रात में रीजेनरेट होती है, रिपेयर होता है, और उसका जो नेचुरल बैरियर है ना, उसको मेंटेन करता है वो। अगर आप ठीक से नहीं सोओगे तो आपके एक्ने आने के चांसेस, लाइक स्किन पे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोना ही है, प्लीज।
टिप नंबर 9, अवॉइड हार्श प्रोडक्ट्स। आपको हमेशा जेंटल और नरिशिंग प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। कभी भी ऐसा कोई भी लाइक इरिटेटिंग इंग्रेडिएंट अपने स्किन के ऊपर मत लगाओ जिससे आपका नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत स्किन इश्यूज हो सकते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, कोई भी लाइक ऐसा कोई इंग्रेडिएंट मत यूज करो जो आपके स्किन के लिए अच्छा ना हो। टिप नंबर 10, रेगुलर टच अप्स। आपको एवरी 4 to 6 weeks आपको फेशियल्स करवाना है, फिर केमिकल पील्स भी आप करवा सकते हो। इससे क्या होगा, अगर कोई भी आपको स्किन का कंसर्न है वो भी टैकल होगा और आपका स्किन मेंटेन रहेगा। ये एक चीज ऑप्शनल है, आप घर में भी फेशियल कर सकते हो। मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी घर में बैठ के कैसे इजिली आप एक अच्छा सा लाइक केमिकल फ्री फेशियल कर सकते हो, सो वेट फॉर दैट वीडियो। टिप नंबर 11, मॉनिटर योर स्किन। हमेशा आपके स्किन को अच्छे से मॉनिटर करो, कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या आपके स्किन के ऊपर। लाइक सपोज कुछ अगर इरिटेशन हो रहा है या कुछ, तो उसको पहले ही आप टैकल कर पाओगे। कोई भी कंसर्न अगर आएगा तो आप डोमैट को भी विजिट कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कोई भी प्रोडक्ट यूज करके कुछ भी। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पैच टेस्ट करो फिर ही कोई भी प्रोडक्ट यूज करो। टिप नंबर 12, बी पेशेंट। मेंटेनिंग अ स्किन टोन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स टाइम, सो बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आपके स्किन के हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। हमारा टारगेट यहाँ स्किन टोन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट स्किन के हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। मुझे बहुत पर्सनली टैनिंग हुआ था, उसलिए मेरा जो स्किन टोन है उसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया, पर वो जरूरी नहीं है। हमारे स्किन को हेल्दी रखना, हमारे स्किन के जो बैरियर है उसको हेल्दी रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको स्किन के ट्रांसफॉर्मेशन लाइक टोन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपके हेल्थ के ऊपर फोकस करना। आप अच्छा सा एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करो और अपना स्किन को हेल्दी रखो इंटरनली एंड लाइक एक्सटर्नली। ऊपर से आपको प्रोडक्ट्स लगाने अच्छे, इंटरनली खुश रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाना खाओ, लाइक फ्राइड फूड्स मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, बहुत पानी पियो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका स्किन के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। मैं यहाँ यही बोलना चाहती हूँ कि आपका लाइक टोन के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, हमेशा स्किन के हेल्थ के ऊपर फोकस होना चाहिए। हमेशा ये चीज याद रखना, यू आर ब्यूटिफुल एज यू आर। आप जैसे भी हो बहुत ब्यूटिफुल हो, एक्ने हो गया है, आपके स्किन का हेल्थ ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, उस चीज के लिए नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, कौन क्या बोल रहा है वो सुनना नहीं है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई विल मीट यू माई नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।